Uh, in a bridge course uh, in day third topic that is a transportation that is a transportation in animals as well as in plants first of all we have the transportation in animals in case of human beings okay you know but very well student the main transport system in the human being is the circulatory system and you know but very well the circulatory system consists of blood arteries veins capillaries and heart and you know but very well what do you mean by the blood you know blood is a connective tissue that transport the food oxygen waste products hormones and you know but very well student the blood comprises by plasma and you know our blood cells plasma uh, you know that will be the 55% and remaining 45% will be the you know RBCs, WBCs, and platelets. Okay, and the maximum number of the you know uh, uh, cell that will be the you know RBCs. Okay, uh, you know about very well uh, the RBCs will be the uh, you can see 5 to 5.5 million per cubic millimeter of blood. Okay, and the platelets uh, number will be the you know uh, that will be the 1.5 lakh to 3.5 lakh per cubic millimeter of blood and the wbc's number will be the 6000 to 8000 per cubic millimeter of blood okay and you know about variable well, student plasma comprises by 92% water and remaining 8% there will be the proteins and the main function of the plasma that will transport the food water carbon dioxide nitrogenous uh, waste etc and rbc's main function is to transport the oxygen and uh, white blood cells which we also call the wbc's are you call it the leukocyte the main function of the leukocyte or you can say the wbc's is uh, to kill the harmful microbes okay and to protect the body and the main function of the platelets that help in the clotting of blood okay and uh, and student uh, uh, platelet also prevent the loss of uh, blood during the injury okay एंड स्टूडेंट द फंक्शन ऑफ द आर्टरीज एंड यू नो बट वेरी वेल आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू आल पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज द आर्टरीज आर थिक वर्ल्ड एंड दैट डू नॉट हैव दल्ब्स ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया स्टूडेंट कि भाई बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द वाल्व्स तो वेन्स जो होता है हमारे वेन्स वेन्स में वाल्व होते हैं बट आर्टरीज कैपलरीज इन सभी में वॉल्व नहीं होता दूसरी बात हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं एक पलनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है पलनरी सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट और यू you नंग्स know, के बीच में होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे लंग्स और हमारे पूरे बॉडी पार्ट के साथ होता है ओके सॉरी हार्ट और पूरे बॉडी पार्ट के साथ होता है याद रखना ओके okay? और सिस्टमिक जो यूनावा you सर्कुलेशन know, होता है उसमें आर्टरीज़ का मेन फंक्शन होता है टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी ओके और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है जो आर्टरीज होती है ये डी ब्लड को लंग से लेकर के सॉरी uh, हार्ट uh, से लेकर के यूनावा you लंग्स know, तक पहुंचाता है ओके okay? तो ये ध्यान रखना मैक्सिमम हमारे बॉडी में जो आर्टरीज का फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना लेकिन एक्सेप्शनल इन बिटवीन यू नावा हार्ट एंड लंग्स वहाँ पर आर्टरी जो होता है वो डी ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स और लंग से वेन जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हमारे हार्ट तक पहुंचाता है और वेन्स का मेन फंक्शन होता है बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के हर एक सेल से लेकर के हमारे यू नो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट तक यू uh, नो you know, वा कैरी करता ओके सो यू कैन सी वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड का मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेयर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट बट एक्सेप्शनल ऑलरेडी मैंने बोला इन केस ऑफ पलनरी सर्कुलेशन पलनरी सर्कुलेशन बोले तो बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स वहां पर वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स से यू नो हार्ट तक समझ आए एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज कैपिलरीज एक मिडल मैन का काम करता है ओके okay? क्योंकि जो कैपिलरीज होती है काफ़ी नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं और ये हमारे आर्टरीज और वेन्स दोनों के साथ कनेक्ट होते हैं ओके मतलब जो आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कैप्लरीज हमारे हर एक सेल तक यू नो ट्रांसपोर्ट करता है और सेल से आफ्टर द रेस्परेशन जो डी ब्लड होता है उसको कैप्लरीज लेकर के वेन्स तक पहुंचाने का काम करता है सो यू कैन से सेप्लरीज एक्ट एज अडल मैन एंड आर वेरी नैरो ब्लड वेसल विथ कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स टूगेदर एंड यू नो द एक्सचेंज ऑफ द फूड वाटर ऑक्सीजन सी बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक प्लेस ट्रू द वट कैपलरीज and student next one the main organ for the transportation that is the heart that is what heart you know about very well heart is what it is a muscular organ which pump the blood to all parts of the body and you know about very well in the human being are uh, you uh, you can say in case of the mammals the heart is a four chamber heart is heart has the how many chamber four chamber and you know about very well the upper chamber are called the atria and the lower chamber are called the ventricles because there there are two uh, two you know atria right artery left atria there is a right ventricles there is a left ventricles okay so that make the what how many chamber four chamber okay the right portion of the heart carry the you know deoxygenated blood and the left portion of the heart carry the what de uh, you know oxygenated blood okay and next thing is it student

उन चैम्बर्स को राइट और लेफ्ट चैम्बर्स को सेपरेट करने का काम करता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम एंड इट प्रिवेंट द यूनावा मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेड ब्लड क्योंकि जो लेफ्ट पोर्शन होता है हार्ट का जैसे डायग्राम पे आपको दिख रहा है तो दिस वन इज अ यूनावा लेफ्ट पोर्शन ये लेफ्ट पोर्शन और दिस वन इज अ वट राइट पोर्शन और ये बीच में जो है इसको हम सेप्टम कहते हैं तो सेप्टम का काम ये है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड है वो कहीं लेफ्ट पोर्शन में मिक्सअप ना हो जाए और लेफ्ट पोर्शन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहीं यू यूनावा राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्सअप ना हो जाए तो इसलिए जो मेन फंक्शन होता है सेप्टम का वो है मिक्सिंग को प्रिवेंट करना डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड से ओके सो यू कैन से द इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल्स हैव वॉल्व्स बिटवीन दैम टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो

और इसी तरीके से लेफ्ट आर्ट्रिया से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो उस समय बाई कस्पिड वाल ओपन होता है ओके और ध्यान रखना ये दोनों काम एक साथ होते हैं मतलब ऐसा नहीं कि राइट वाला चैम्बर राइट वाला कस्पिड एक यू नो फर्स्ट ओपन होगा और लेफ्ट वाला बाद में होगा ऐसा कुछ नहीं होता एक साथ ये दोनों कस्पिड जो होते हैं राइट और लेफ्ट का ये एक साथ ओपन होते हैं तो एक एंड में यू नो वो ऑक्सीजनेट एक एंड में डी ब्लड वेंट्रिकल में आता है राइट right साइड में और एक एंड में यू ना ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ओके okay? और उसके बाद क्या होता है आ, उसके बाद यू कैन से हमेशा जो वेंट्रिकल्स होते हैं जैसे राइट वेंट्रिकल्स हैं तो राइट right वेंट्रिकल्स की जो ओपनिंग होती है ये यू कैन से एक और वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी सेमिल्यूनर वाल्व दैट इज कॉल्ड कल्ड सेमी सेमील्यूनर तो ये सेमी सेमिल्यूनर वाल्व दो टाइप के होते हैं एक यूनावा राइट वेंट्रिकल और लंग्स की ओर होते हैं एक राइट right वेंट्रिकल और पलनरी यूनावा you know, जो आर्टरीज़ होते हैं उनके बीच में होते हैं। और दूसरा जो सेमिल्यूनर वाल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और हमारा हार्ट का अयोटा के साथ जुड़ा होता है ध्यान रखना। तो जिस समय यूनावा ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आते हैं उस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व दोनों चाहे वो आयोटिक सेमी सेमिल्यूनर वाल्व हो चाहे वो पलनरी सेमिल्यूनर पलनरी होता है राइट वेंट्रिकल टू यूनावा कनेक्टेड विद द पलनरी आर्टरी और सेमी और दूसरा हमारे पास आयोटिक सेमी सेमिल्यूनर वाल्व जो होता है वो एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में कनेक्ट होता है तो क्या होगा जब ब्लड यूनावा you know, वेंट्रिकल्स में आता है तब कस्पिड खुलते हैं और सेमी सेमिल्यूनर वाल्व बंद होते हैं और जब वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा आयोटा और अयोटा से मेन आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा पार्ट ऑफ द बॉडी में रेस्ट ऑफ द बॉडी में और रेड राइट वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से जो डी ब्लड है ये कहाँ जाता है ये पलनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है किस लिए जाता है कि उसमें जो भी कॉर्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में यूनावा अनलोड करता है और लंग से ऑक्सीजन लेकर के पलनरी वेन्स के थ्रू वापिस लेफ्ट आर्ट्री में आता है ओके okay? तो ध्यान रखना तो इसलिए जब कस्पिड बंद होंगे उस उस समय सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होंगे तो इसलिए जब दोनों कस्पिड ओपन होते हैं तब सेमिल्यूनर वाल्व दोनों बंद होते हैं तो इसलिए इन वाल्व्स का मेन काम होता है कि ब्लड जब आगे फ्लो करता है तो वो कहीं नो प्रेशर के कारण कहीं बैक ना हो जाए बैकवर्ड फ्लोइंग को वो रोकने का काम करता है समझा जैसे ब्लड देखो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा प्रेशर से तो वो बैक साइड भी आ सकता है तो इसलिए ये यह पूरा यहाँ पे सीलिंग हो जाती है जिस कारण ब्लड जो है वापस ना आ सके ओके okay? और दूसरी बात जो हमारा हार्ट होता है हार्ट में यूरा हुआ जो एक हार्ट बीट डेवलप होती है वो पॉइंट एट सेकेंड में डेवलप होती है कितना पॉइंट एट सेकेंड में ये याद रखना आप पॉइंट एट सेकेंड जिसमें से पॉइंट फोर सेकेंड हमारे हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होती है ठीक है और पॉइंट फोर सेकेंड हमारे हार्ट में रिलैक्सेशन होती है मतलब पॉइंट फोर सेकेंड में कॉन्ट्रेक्शन का मतलब जब हमारे हार्ट के जो आर्ट्रियम है ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वो फ्लो करते हैं समझ है एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट और रिलैक्सेशन के टाइम क्या होते हैं कि वेंट्रिकल्स हो या आर्ट्रियम हो वो रिलैक्स मोड में होते हैं वो उस समय ब्लड को रिसीव करते हैं तो ये कितना टाइम होता है कॉन्ट्रेक्शन का 0.4 पॉइंट सेकंड और रिलैक्सेशन का भी कितना होता है 0.4 पॉइंट फोर तो जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर दट मेक द जीरो पॉइंट एट सेकेंड तो एक हार्ट बीट ह्यूमन में एक नॉर्मल व्यक्ति में 0.8 पॉइंट सेकंड में डेवलप होती है तो एक मिनट में हमारे पास कितनी हार्ट बीट डेवलप होगी सेवनटी टू कितनी सेवनटी टू ओके तो ये एक एक हार्ट बीट में जो हमारा हार्ट होता है ये सेवेंटी एम ब्लड को पंप करके हमारे बॉडी में भेज देता है एक क्या बोल रहा हूं एक बीट में मतलब पॉइंट एट सेकेंड में हमारा हार्ट सेवेंटी एम ब्लड को पंप करता है तो अब सोचो एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा कितना करेगा तो आप इसको हम बोलते हैं सबसे पहले इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है पर बीट में हमारा हार्ट कितना ब्लड को पंप करके रेस्ट हम हमारे यू नो बॉडी तक यू नो फ्लो करता है तो दैट इज अ सेवेंटी एम और अगर आपसे पूछा जाएगा एक मिनट में कितना करता है तो दैट इज अ फाइव जीरो फोर जीरो एम अबाउट इतना आ जाएगा तो मतलब आप सोचो आप उसके लिए क्या करोगे सेवेंटी एम एल इंटू सेवेंटी टू करो तो दैट कम्स अबाउट मोर देन फाइव थाउजेंड एम एल निकलेगा और एक ह्यूमन बींग में एक नॉर्मल व्यक्ति में फाइव थाउजेंड एम एल ही ब्लड होता है बोले तो पाँच लीटर तो पाँच लीटर तो मतलब अगर हम नाइन्टी मिनट क्लास में बैठे हैं तो हमारा हार्ट नाइन्टी टाइम्स इंटी टाइम्स हमारे पूरे ब्लड को यू कैन से पंप कर देता है नाइन्टी टाइम्स तो मतलब एक मिनट में जितना हमारे बॉडी में ब्लड है वो पंप हो जाता है तो इसलिए हार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यू नो बट वेरी वेल हार्ट में अगर पॉइंट सेकंड में भी कोई ऑक्सीजन डिले हो जाती है या पंपिंग डिले हो जाती है तो पूरे ऑर्गन्स में अफेक्ट होता है और हार्ट अटैक हो सकता है और मे बी देट लीड टू द अगर हार्ट बीट यू नो वा इंटरप्ट होती है दैट लीड टू द कार्डिक अरेस्ट हो जाता है तो कार्डिक अरेस्ट में पर्सन को बचाना बहुत मुश्किल होता है उसमें टोटल स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट हो जाती है बट हाँ हार्ट अटैक में बचाया जा सकता है क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है कुछ समय के लिए ऑक्सीजन का इंटरप्शन होता है वो फिर से रिवाइव हो सकता है तो उसमें प्रॉब्लम यू ना वो पर्सन को हम बचा सकते हैं बट कार्डिक अरेस्ट में बचाना मुश्किल होता है क्योंकि टोटल स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट हो जाते हैं एंड दैट लीड टू द डेथ ओके तो दैट इज़ अ ह्यूमन और ह्यूमन हार्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारे बोलते हैं हाँ हार्ट की साइड होता है हम बोलते हैं लेफ्ट साइड तो हार्ट कभी भी लेफ्ट साइड नहीं होता है याद रखना हार्ट हमारे लंग्स के बीच में होता है हमारे लंग्स के बीच में होता है जिसको मीडियास्टीनियम पार्ट बोलते हैं और याद रखना हार्ट को जो ये पोर्शन है एपेक्स जो आपको बिलो दिख रहा है दिस वन इज अपस पोर्शन ये अपेक्स पोर्शन स्लाइटली टिल्ट करता है टूवर्ड द लेफ्ट सिर्फ हार्ट का अपेक्स पोर्शन स्लाइटली टिल्ट करता है टर्ड द लेफ्ट बट हार्ट कभी भी लेफ्ट पोर्शन या लेफ्ट यू नो चेस्ट साइड कभी भी नहीं होता हार्ट जो होता है इन बिटवीन द लंग्स होता है इन बिटवीन द चेस्ट होता है जिसको मिड स्टीनियम पोर्शन बोलते हैं सिर्फ हार्ट का अपेक्स पोर्शन स्लाइटली टिल्ट होता है टूवर्ड दुवर्ड द लेफ्ट तो ये याद रखना कि हार्ट कभी भी लेफ्ट साइड नहीं होता है स्टूडेंट नाउ वी हैव द वर्किंग ऑफ द हार्ट आई यू कैन से द हाउ यू नो अ ब्लड गेट सर्कुलेट थ्रू द यू कैन से हार्ट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी ओके वी हैव अ स्ट्रक्चर यू नो ये इज अ स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है देर इज देर इज हाउ मेनी चैम्बर फोर ओके इज अ राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ओके अब ध्यान रखना हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है हार्ट में यू कैन से दो पार्ट से एक पार्ट का नाम है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा पार्ट का नाम है इनफीरियर इन्फीरियर, इन्फीरियर केवा याद रखना इन्फीरियर केवा जो होता है ये हमारे हार्ट से बिलो वाला पोर्शन हार्ट से बिलो पोर्शन कौन कौन से आ गए हमारे लिवर आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया किडनीज आ गया यू कैन से ट्रंक्स आ गया लेग्स आ गई तो मतलब हार्ट से जितना भी बिलो पोर्शन है वहाँ से जितना भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू जिनको हम ओवरऑल सिस्टमिक वेन्स बोलते हैं कौन से वेन सिस्टमिक वेन वो सभी सिस्टमिक वेन्स डी ब्लड को लेकर आते हैं और हार्ट के इन्फीरियर केवा में मर्च होते हैं मतलब हार्ट के इन्फीरियर वेनाकेवा में उनकी ओपनिंग होती है और इन्फीरियर वेनाकेवा में यूना हुआ ब्लड कहाँ से आया हार्ट के बिलो पोर्शन से बिलो में कौन कौन सा पोर्शन आ गया हमारा यूना लिवर है डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम है ट्रंक है लेग्स है इन सब से ओके और दूसरी बात सुपीरियर वेनाकेवा में क्या होता है सुपीरियर वेनाकेवा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है हार्ट में कहाँ से हमारे हार्ट के अबब पोर्शन से अबब पोर्शन बोले तो हमारा हमारे आर्म्स आ गए और हमारा हेड आ गया समझ आए है? हमारे हेड और हमारे आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यू वह सिस्टमिक वेन्स के थ्रू आएगा और सुपीरियर वेना केवा में ओपन होगा तो दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहे सुपीरियर वेना केवा हो चाहे इन्फीरियर केवा हो दोनों की फाइनल ओपनिंग जो है हार्ट में वो राइट आर्टरेम में है कहाँ पे है राइट right आटरे मतलब सुपीरियर वेना केवा भी डीऑक्सीजनेटिड ब्लड को राइट right आटरेम में यूनावा उस यूनावा ओपन होगा और जो इन्फीरियर केवा है ये भी यूनावा राइट आट्रेम में ही ओपन होगा तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब राइट right आटरेम में ओपन होगा ओके okay? डन इसके बाद क्या होता है जब डी ब्लड राइट आटरेम में आया अब क्या होगा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने ऑलरेडी बताया कि देर इज़ अ यू नो अ वाल्व बिटवीन द राइट आर्ट्रेम एंड राइट वेंट्रिकल दैट इज़ कॉल्ड द व ट्रैक तो ये क्या होगा ये ट्रैक कस्पिड वाल्व खुलेगा और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट right वेंट्रिकल में आएगा और देखो जो डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है उसको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दूसरे डाइग्राम पे तो इसको हमने ब्लू कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और जो ऑक्सीजनेटेड है वो रेड कलर में याद रखना दूसरी बात ये होता है कि जो राइट right आर्ट्रिम और लेफ्ट आर्ट्रिम है ये एक साथ इनके जो वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं जैसे लेफ्ट साइड में जो वाल्व होता है उसको हम मिट्रल वाल्व भी कहो आर यू कैन से द बाइकस्पिड वाल्व वाल्वे बोलते हैं ठीक है भाई तो राइट right आर्ट्रिम से भी और लेफ्ट आर्ट्रिम दोनों पॉइंट पॉइंट वन सेकेंड में दोनों का कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं तो राइट right आर्ट्रिम और लेफ्ट आर्ट्रिम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व बोलते हैं ये दोनों ओपन होते हैं और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आता है राइट पोर्शन में ये ना वो डी ब्लड आएगा राइट right वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा समझ समझा वो लेफ्ट आठ से आएगा लेकिन जिस समय ब्लड आ रहा होता है वेंट्रिकल्स में उस समय ये दोनों वाल्व एक अयोटिक वाल्व सेमी सेमिल्यूनर वाल्व और दूसरा पलनरी सेमिल्यूनर वाल्व ये दोनों बंद होते हैं मतलब याद रखना जब कस्पिड बंद होंगे तब पलनरी वाल्व और आयोटिक वाल्व ओपन होंगे और जब पलनरी वाल्व और सेमिलूनर यूनावा आयोटिक वाल्व ओपन होंगे तब ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व यूनावा बंद होंगे तो कभी भी ये एक साथ ओपन नहीं हो सकते तो अब देखो ब्लड कहाँ आ गया वेंट्रिकल्स में अब वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आए अब वेंट्रिकल 0.3 पॉइंट सेकेंड के लिए दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड पलनरी आर्टरीज के थ्रू दो पल्नरी आर्टरीज होती देखो एक राइट लंग्स के लिए एक लेफ्ट लंग्स के लिए तो डी ब्लड कहाँ चला जाएगा लंग्स में ठीक है लंग्स से वो क्या करेगा लंग्स में जाकर के उसमें से जो डी यू नो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यू नो नोवा यू नो ना फॉलियर जो भी होगा वो बाहर चला जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा और जो ऑक्सीजन होगा वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड क्या बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा यू यूनावा एक राइट right लंग्स में भी दो पल्नरी वेन्स हैं और यू ना वह लेफ्ट पोर्शन जो लेफ्ट हमारा लंग्स है वहाँ से भी यू ना जो डी सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो भी पलनरी वेन में आएगा तो कु, कुल देर यू कैन से टोटल देर आर रहा था फोर पलनरी वेन तो ये चारों पलनरी वेन डी यूना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगे और लेफ्ट आर्ट्रेम में ओपन होते फिर लेफ्ट आर्ट्रेम से वही लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा आयोटा और आयोटा से चला जाएगा पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी टोटल इसमें पूरा टाइम लगता मैंने है मैंने ऑलरेडी बताया जीरो पॉइंट एट सेकेंड देखो दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है एक पोर्शन आपको ब्लू दिख रहा है एक रेड जो ब्लू पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड है मतलब वो क्या कैरी कर रहा है वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और रेड वाला क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम है ठीक है तो देखो यू नो वह हार्ट का यू नो राइट पोर्शन में ब्लू है तो यहाँ पे देखो डिऑक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा लंग्स में किसके थ्रू जाएगा पलनरी आर्टरीज के थ्रू और वापस किसके थ्रू आएगा पलनरी वेन्स के थ्रू ये सिर्फ एक्सेप्शनल यहाँ है कि पल्नरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है बाकी जो वेन्स होते हैं वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं और हार्ट से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा आयोटा आयोटा से कहाँ चला जाएगा पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी में चाहे वो फिर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो हमारा किडनीज़ हो हमारे यू नो ट्रंक हो हमारे लेग्स हो इन सब में चला जाता है समझ आए और वहाँ पर जाकर के वो ऑक्सीजनेटिड ब्लड जाएगा और साथ में ब्लड यू ना फूड लेकर आया है ग्लूकोज और साथ में यू नो ऑक्सीजन रेस्पाइरेशन होगा सेल में और रेस्पायरेशन में एज अ यू नो क्या डेवलप होगा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एज वेल एज देयर विल बी द एनर्जी बनेगी एनर्जी स्टोर हो जाएगा सेल्स में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड और देखो फिर कलर एकदम से चेंज हो गया ब्लड का तो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है तो ये ब्लू जो आपको आपके अगर आप अपने आर्म्स में भी देखेंगे अपने वेंस को तो आपको ब्लूइश वेंस दिखती है वो ब्लूइश वेंस इसलिए दिखती है क्योंकि वेन जो होती है वेन जो होती है ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करता है समझ आए तो वही डी ब्लड को लेकर आएंगे यू नो किडनी वाले वेंस को हम रीनल वेन बोलते हैं और ट्रंक और जो हमारे लेग से जो वेंस आती हैं उनको हम आ, इलेक वेंस बोलते हैं और जो हमारे डाइजेस्टिव साइड सिस्टम से वेन्स आता है उसको हैपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं और लिवर वाले वेन्स को हम हैपैटिक वेन बोलते हैं तो ये सभी वेन्स ओवरऑल किसमें ओपन हो रहे हैं देखो इन्फीरियर वेना केवा में और इसी तरीके से हार्ट के अपर पोर्शन से हाँ, वेन्स होता है जिसको हम सब क्लेवेन वेन्स बोलते हैं या जगलर वेन बोलते हैं जो हमारे हेड हाँ, और आर्म से डिऑक्सीजनेटिव ब्लड को लेकर आ रहा है लेकिन उसकी ओपनिंग किस में हो रही है सुपीरियर वेना केवा चाहे सुपीरियर हो चाहे इन्फीरियर दोनों की ओपनिंग कहाँ हो रही है राइट में समझ आई तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट दैट इज अ ट्रांस नो यूनावा लिम्फ कि लिम्फ क्या होता है लिम्फ एक कलरलेस फ्लूड होता है जो नो इंटर सेलर स्पेस में प्रेजेंट होता है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपलेरीज विच फॉर्म द लिम्फ वेसल एंड ज्वाइंट्स इन टू द लार्जन लिम्फ का मेन काम है डाइजेस्टिव फैट को यू नो ट्रांसपोर्ट करना एंड यू ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलर स्पेसिस बैक इन टू द ब्लड और इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं लिम में लिम्फोसाइट होते हैं जिनका काम ही होता है जम सेल्स को किल करना और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना इसमें आरबीसी कुछ नहीं होते ठीक है देन स्टूडेंट जैसे अगर आपसे पूछा जाएंगे कि मैमल्स में कितने चैंबर होते हैं ऑलरेडी मैंने बोला चार चैंबर्स होते हैं इन जैसे ह्यूमन एग्जाम्पल आ गए तो जितने भी मैमल्स मैमल्स वो होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं तो सभी में चार चंबर होते हैं अच्छा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर बात करेंगे कितने चंबर होते हैं तीन चंबर होते हैं लेकिन एक्सेप्शनल वी हैव द रेप्टाइल क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में कितने चंबर होते हैं चार बाकी जितने भी रेप्टाइल है सब में तीन चेंबर होते हैं तो जिनमें चार चंबर होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होते हैं डबल कैसे लंग्स से सॉरी हार्ट से लंग्स ठीक है एक एक आगे सर्कुलेशन दूसरी हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी एक सर्कुलेशन जो हार्ट से लंग्स होते उसको ऑलरेडी मैंने बोला पल्नरी बोलते हैं और दूसरा हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टमिक तो इसलिए मैमल्स में जिनमें भी चार चेंबर उनमें डबल सर्कुलेशन होती है लेकिन जिनमें तीन चेंबर होते हैं उनमें यूनावा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में इनकम्प्लीट क्यों क्योंकि इनमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है दो यूनावा आर्ट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं तो आर्ट्रियम तो सेपरेट है मतलब राइट आर्ट्रियम में यू you नो know, डी ऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड है लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है तो वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो जाता है मिक्स मिक्स हो जाता है मतलब उसी वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड जा रहा है उसी से यूनावा डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है लेकिन जिनमें चार चेंबर है उनमें यूनावा सेपरेट यू नो वो वेंट्रिकल्स है ऑक्सीजनेटेड अलग है डीऑक्सीजनेटेड अलग है तो इसलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं क्योंकि इनमें एक ही वेंट्रिकल है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है और डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल जिसमें चार चंबर होते हैं जिसमें कम्प्लीट यूना डबल सर्कुलेशन होता है और हार्ट इन फिशीज़ फिशीज की अगर हम बात करें तो फिशीज में दो चैंबर होते हैं एक आर्टरिम और एक वेंट्रिकल तो नेचुरल बात एक एक वेंट्रिकल है तो उनमें यूनावा सर्कुलेशन जो होती है वो सिंगल होती है दैट इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन देखो जैसे हमारे पास डायग्राम पे प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है तो फिशीज है तो इसमें आपको देखो एक साइड से यूनावा you know, डिऑक्सीजनेटेड दिख रहा है और दूसरे साइड से ऑक्सीजनेटेड दिख रहा है ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकम्प्लीट एम्फीबियंस में अगर आप देखोगे रेप्टाइल्स में तो इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स एक है और यू कैन से देर विल बी द आर्ट्रियम दो है और लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देर विल बी द सेपरेट है हर एक चीज़ ओके तो दैट ऑल अबाउट द यूनावा सर्कुलेशन इन एनिमल्स नेक्स्ट आगे स्टूडेंट हमारे पास सब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अब यू नो बट वेरी वेल्प इन प्लांट्स जैसे ह्यूमन में सर्कुलेशन हो रहा है यू ना ब्लड यू ना वेसल्स के थ्रू आर्टरीज है वेन्स है कैपलरीज है वेन्यूल्स है आर्टिरोलस है? है उसी प्रकार प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा मटीरियल का चाहे वो फूड हो वाटर हो मिनरल हो किसके थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज़ के थ्रू क्या बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलो या कंडक्टिंग टिश्यूज़ बोलते हैं जो वेस्कुलराइज होते हैं इनसाइड से वो हॉलो होते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका जिनको हम जाइलम और फ्लोइंग बोलते हैं तो जाइलम का क्या काम है सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू ऑल पार्ट ऑफ़ द बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल और ट्रैकेड वेसल जो होते हैं वो ज़्यादा हॉलो होते हैं मतलब मॉडिफाइड होते हैं जो यूनावा हुआ प्लांट में होते हैं और जो ट्रैकिड्स होते हैं वो थोड़ा नैरो होते हैं वो आपके ट्रा इसमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पम में होते हैं ठीक है तो वाटर एंड द मिनरल्स एंटर द रूट बाय द वर्ड डेफ्यूजन के थ्रू डेफ्यूजन बोले तो हाई प्रेशर से हाई कंसनट्रेशन हाँ से टू द लो कंसनट्रेशन एंड ड्यू टू द ट्रांसपाइरेशन सक्शन प्रेशर यूनावा uh, you know, जो सक्शन फोर्स होगा दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर क्योंकि प्लांट देखो 130 30 मीटर हो तो कैसे वाटर जाएगा इतना यूना अपवर्ड तो दैट इज ड्यू टू दट ट्रांसपाइरेशन पुल थ्योरी ट्रांसपायरेशन मतलब प्लांट जैसे ट्रांसपाइरेशन करते हैं वाटर लूज करते हैं वाटर की कमी हो जाती है टिप ऑफ द प्लांट पे ठीक है जिसके कारण वाटर वो यूनावा कोजन फोर्स एडिजन फोर्स के थ्रू यूनावा अपवर्ड वो मूव करता है ठीक है देखो जैसे हमारे पास ये आ गया वेसल्स ठीक है दे इज अ ट्रैकिड्स ये नैरो होते ठीक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से वाटर ऑब्जॉर्ब हो रहा है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है ठीक है और देखो फ्लोइम फ्लोइम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द वेयर लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस में होता है ठीक है तो लीव्स में फोटोसेंथिसिस होता है फूड बनता है और वहाँ से पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में बाई डायरेक्शनल मतलब यू नो बस लेटरल पार्ट में भी फूड जाएगा और रूट में भी जाएगा तो फ्लोइम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स ठीक है सीव ट्यूब थोड़ा सा यू यू नो न वाइड यू नो व हॉलो स्ट्रक्चर होता है और सीव सेल जो होते हैं वो यू you ना know, विम्नोसपम और टेरिडोफाइट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लेकिन सीव सेल हो सीव ट्यूब हो इनमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए इनको फर्दर कंपेनियन सेल्स और एल्ब्यूनिस सेल्स की ज़रूरत पड़ती है तो कंपेनियन सेल्स अपना न्यूक्लियस से सीव ट्यूब में जो भी फूड ट्रांसलोकेट होता है लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो अपने न्यूक्लियस से उस कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है और सीव सेल में जो जिम्नोस्पम और ट्रैक यू नो टेरिडोफाइट में होता है उसमें सीव सेल्स का कंसनट्रेशन को एल्ब्यूनिस सेल्स यू नो वो रेगुलेट करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जाइलम है ठीक है एंड दिस इज़ द फ्लोइम है ओके तो दैट ऑल अबाउट दिस चैप्टर ओके थैंक यू